मध्य प्रदेश के कई जिलों में शनिवार शाम को आसमान में उल्कापिंड दिखाई दिया। आसमान से गिरते हुए इस उल्कापिंड में बेहद चमकती हुई रोशनी दिखी, जिसने भी देखा अचंभित रह गया। इस बारे में जीवाजी वैद्यशाला के उज्जैन के अधीक्षक का कहना है कि यह एक उल्कापिंड है। सामान्य तौर पर यह गिरते रहते हैं। यह पिंड आकार में बड़ा था, इसीलिए खुली आंखों से दिखाई दिया। बड़वानी, बड़वा, भोपाल और धार जिले में यह रोशनी शाम 7:46 पर दिखाई दी। करीब 40 सेकंड तक दिखे इस नज़ारे को लोगों ने अपने मोबाइल से कैद किया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया, जिसके बाद वायरल सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर किसी ने इसे उल्कापिंड बताया तो किसी ने इसे रॉकेट कहा। बड़वानी के स्थानीय निवासी दीपक मालवी ने बताया कि हमने आसमान में तेज रफ्तार से जाती हुई चमकीली वस्तु देखी। ये काफी लंबी थी, बिल्कुल रॉकेट की तरह से दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लेन क्रैश होकर गिर रहा हो। इससे आ रही रोशनी बेहद तेज थी। हमने इस तरह की चीज जिंदगी में पहली बार देखी। हम इसे करीब 1 मिनट तक देखते रहे, इसके बाद ये अचानक गायब हो गया। ये बेहद हैरान करने वाला वाक्या रहा। जीवाजी वैद्यशाला के उज्जैन के अधीक्षक आरपी गुप्त ने बताया कि उल्कापिंड अक्सर टूट कर गिरते हैं और वायुमंडल में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस बार ये आकार में बड़ा था, इसलिए इतना स्पष्ट दिखा। गुप्त के मुताबिक उल्कापिंड में हवा के घर्षण से आग लग जाती है और इसके टुकड़े हो जाते हैं। वहीं 99% ये पिंड वायुमंडल में ही जल जाते हैं, इसलिए सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देते। इसके टुकड़ों की कॉमन मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन शोध के लिहाज से इसके टुकड़े दुनिया की सबसे महंगी चीज है।